हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ गाइस आप सभी का। वेलकम। इस रीडिंग में हम ये चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो चलिए फोकस उन पर बना कर रखिए, साथ में यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखना चाहूँगी आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके रियल ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है अभी इस वक्त आपके लिए। उन पर फोकस बनाकर रखिए, ध्यान दिए से उन पर उनका नाम लेकर आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। साथ में यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर लीजिएगा, यह एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। तो क्या है आपके पार्टनर की रियल ट्रू फीलिंग्स, क्या है उनकी सच्ची भावनाएँ आपको लेकर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच अनक्लैरिटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको क्लियर करना चाहते हैं। आप दोनों लव रिलेशनशिप में हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हो, आप दोनों का जो लव है 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, इनकी फीलिंग्स ट्रू है, सच्ची है, रियल है। ये दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप इनके ख्यालों में होते हो, ये आपको लेकर पता नहीं क्या क्या सपने बुनने लगे हैं। ये कभी नहीं चाहते इस रिश्ते का एंड हो, डेथ हो। अगर इस रिश्ते का डेथ हो गया है तो ये पर्सन ये आपके पास्ट से भी हो सकते हैं, पर अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस इनमें हैं, प्यार ये आपसे करते हैं, ये बढ़ना चाहते हैं आपकी ओर, या तो ये चाहते हैं अगर आपको बढ़ने की ज़रूरत है तो आप इनकी ओर बढ़ो। ये आपको खोने से डरते हैं, सीने से लगा कर रखना चाहते हैं, सबसे छुपा कर दुनिया से। आप काफ़ी कीमती हो इनके लिए, ये जो रिश्ता है आप काफ़ी कीमती हो, तो आपको प्रोटेक्ट, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये मुझे इनकी रियल ट्रू फीलिंग्स दिखाई दे रही है। तो इनके एक्शन क्या होगा आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हो सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं इनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर। आप काफ़ी स्ट्रांग हो, काफ़ी बोल्ड हो, आप अपने एक्शंस रिएक्शन से बिल्कुल इनको चौंका देते हो, शॉक्ड कर देते हो। क्या हो सकता है आपके पार्टनर के एक्शन आपके लिए, क्या एक्शन ले सकते हैं ये मुझे कंप्लीशन का दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है, या आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आपके लवर हैं, थर्ड पार्टी किसी तरह का था, टॉक्सिक सिचुएशन रिलेशनशिप में आप थे, या आप दोनों का सिचुएशन टॉक्सिक बन गया था, अनहेल्दी हो गया था, ये थर्ड पार्टी आ गई थी, वो रिमूव हो रही है, वो रिमूव करके आपके पार्टनर आपके साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताते मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी है, ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे तो खुलकर आपसे बातचीत करने लगे हैं, थोड़े से कोल्ड रूड हो गए थे, अपने इमोशनल साइड नहीं दिखाते थे, अकड़ में बैठे हुए थे। डोंट वरी, आपका जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपका प्यार है, इनको इनको पिघला देगा, झुकने पर मजबूर कर देगा, आप कर दोगे इनको, तो अपना इमोशनल साइड आपको दिखाएंगे, भरपूर आपसे प्यार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अच्छा खासा आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप दोनों वर्ल्ड ट्रिप पर जा सकते हो, ट्रिप पर जा सकते हो, ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, अच्छा खासा इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो दोनों पार्टनर हो, दोनों लवर हो, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, आप इनको बैलेंस में ले ही आते हो, ठीक है, आप इनको सही कर ही देते हो, ये टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, जैसे भी हैं, आप इनको सही कर ही देते हो। इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे लाइन में आना है, आपको बहुत अच्छे से आता है, नहीं आता है तो आप करने वाले हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप जाने वाले हो, जहाँ पर इनको आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो नई शुरुआत हो रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन हो रही है, क्लियर हो रही हैं चीज़ें, कम्युनिकेशन में नहीं थे तो कम्युनिकेशन में आ रहे हो, जो आप चाहते वो हो रहा है। तो ये है गाइस आपकी शॉर्ट रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।